मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं आयुष किचन की एक और नई रेसिपी जिसका नाम है चना दाल की चटनी। तो आइए गाइस शुरू करते हैं चना दाल की चटनी कैसे बनती है और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये है। हमें चाहिए मूंगफली, ये मैंने 2 टेबलस्पून के करीब मूंगफली ली है यानी पीलेट्स। 1/8 कप के करीब मैंने ले रखा है इमली का पल्प। 10-12 हम कड़ी पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। 4 टेबलस्पून के करीब मैंने ले रखा है यहाँ पर फ्रेश नारियल, आप फ्रेश ही यूज़ कर कीजिए या डेसिकेटेड, ये आपकी मर्जी है। 3 टेबलस्पून के करीब मैंने ले रखी यहाँ पर चने की दाल। नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। 1/2 इंच जिंजर को मैंने बारीक काट लिया है। राई ले रखी है मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब। हल्दी लेंगे अ पिंच ऑफ और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को स्लिट कर दिया है, ये 3 हरी मिर्च है। हींग लेंगे 1/2 चम्मच से भी बिल्कुल कम। उड़द दाल ले रखी है मैंने 1 चम्मच के करीब। 5 लहसुन की कलियाँ है यहाँ पर और ये बड़े साइज में है जिनको मैंने छील लिया है। और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ले रखा है ऑयल। चलिए शुरू करते हैं। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और उसके ऊपर रखेंगे एक पैन। अब हम पैन के अंदर डालेंगे मूंगफली के दाने और इसको अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे। और जब पीनट्स अच्छे से रोस्ट हो जाए तब हम इसके अंदर पैन के अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल और इसको अब हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और जब हमारा ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर डाल देंगे जिंजर और इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करने देंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन की कलियां। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च स्लिटी हुई। इसी के साथ डाल देंगे इसके अंदर उड़द की दाल और सौते करेंगे। इसके अंदर डालेंगे चने की दाल और कड़ी पत्ता और कम फ्लेम के अंदर अब हम इसको टॉस करेंगे। और कम फ्लेम में इसको टॉस करने के बाद यह अब अच्छे से टॉस हो चुकी है तो इसके अंदर डालेंगे हम अपने रोस्ट किए हुए मूंगफली के दाने और इसको भी हम कम फ्लेम के अंदर इसको सभी को सेक देंगे। और लास्ट में इसके अंदर अब हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून के करीब नारियल। यहाँ पे मेरे पास फ्रेश है, आप चाहे तो डेसिकेटेड नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसको एक बार अच्छे से टॉस कर देंगे। साउथ इंडियन डिशेस के अंदर नारियल तो होता ही है इसलिए मैंने डाला है, अगर आप ना डालना चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। और जब आपको इसकी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए किसी साइड में रख देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे पिंच ऑफ हल्दी। मैंने अपने मिक्सचर को ब्लेंडिंग जार के अंदर शिफ्ट कर दिया है और इसी के साथ हम डाल देंगे इसके अंदर नमक। अब हम इसके अंदर डाल देंगे इमली का पल्प और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट डाल रहा हूँ, अगर आप चाहे तो डालिए अदरवाइज ये ऑप्शनल है। इस स्टेज पर डालना। और अब हम इस सारे मिक्सचर को लिड के साथ कवर कर अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। और ये लीजिए मैंने इसका पेस्ट तैयार कर दिया और इतने पेस्ट तैयार करने में मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा कम पानी का इस्तेमाल किया। अब हम फिर से एक पैन रखेंगे तड़के के लिए और 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल देंगे। और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर कड़ी पत्ता डाल देंगे और हींग डाल देंगे, राई भी साथ में डाल देंगे और इसको हल्का सा टॉस करेंगे। और लीजिए पक चुका है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब मैं प्रिपेयर तड़का अपने जो है इसके ऊपर डाल दूंगा चटनी के ऊपर। और लीजिए हमारी ये तैयार हो चुकी है चटनी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके साथ फिर से मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।